यहाँ पे धौरदाड़ ग्रामवासियों द्वारा बहुत ही सुंदर झांकी आप देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए। तो यहाँ पे बिना हेलमेट के आप चलते हैं तो किस तरह का एक्सीडेंट होता है, यह दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है। अब भगवान किस कसूर की, और यहाँ पे किस तरह से बेटियों को प्रताड़ित करके पेड़ से टांग दिया जाता है वो दिखाया गया है। और यहाँ पे श्री राम की राहों में फूल बिछाती हुई शबरी को दिखाया गया है। शबरी मगन रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव। और यहाँ पे राक्षस को संहार करते हुए शेरा वाली बारी। और यहाँ पे श्री कृष्ण की बाल लीला दिखाई गई है। और यहाँ पे रावण का वध किया गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हम आए आज सासाराम से 10 किलोमीटर की दूरी पे धौरदाड़ गांव में, जहाँ पे झांकी यानी लाग लगाई गई है। लाग यानी रोचक दृश्य को दर्शाना होता है। तो आइए आपको हम यहाँ का वीडियो दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए, जय माता दी। तो आप देख सकते हैं ये सजावट, और यहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे हैं इस लाग को देखने के लिए। और यहाँ पे आगे देखिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं और काफ़ी भीड़ है। तो वीडियो में बने रहिए, आइए आपको यहाँ का वीडियो दिखाते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए पूरा रोड जाम है, लोगों से भरा पड़ा हुआ है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का भीड़ है। और आगे यहाँ पे दुर्गा मंदिर है, और दुर्गा मंदिर के पास ही ये पूरी भीड़ इकट्ठा हुई है, और यहीं से लाग का शुभारंभ होगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे भगवान श्री राम की आरती चल रही है, और यहाँ पे सीता राम लक्ष्मण विराजमान है। और इस आरती के बाद यहाँ पे लाग का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ से लटकी हुई लड़की, और इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए एक राक्षस बनाया गया है, और एक गली है, गली में काफ़ी भीड़ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए यहाँ पे हैं, यह दृश्य को दिखाया गया है। बहुत ही रोचक दृश्य है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर छोटे छोटे बालकों द्वारा यहाँ पे कितना सुंदर प्रस्तुति किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बालक किस तरह की प्रस्तुति किए हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और यहाँ पर देखिए जोरू का गुलाम जो खाना बना रहा है। और आगे आइए और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, काफ़ी भीड़ है। और यहाँ पर देखिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है श्री सागर में, आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के ऊपर बैठकर बाल लीला करते हुए, आप देख सकते हैं नीचे राधा ऊपर श्री कृष्ण बांसुरी पे लोगों के बीच टॉफी फेंकते हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल कृष्ण की लीला। बहुत ही रोचक और सुंदर और मनोरम दृश्य है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, अब तो देख ही रहे हैं। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए भूतिया दिखाया गया है, भूत को दिखाया गया है। और फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, श्री राम की आस जोते हुई यहाँ पे बैठी है ये बूढ़ी माता शबरी। और आप देख सकते हैं शबरी का एक कुटिया जो श्री राम के आस में बैठी हैं इस कुटिया के पास, और राहों में फूल बिछा रहे हैं, कब मेरे राम आएंगे। तो आइए यहाँ से भी आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए, जय श्री राम। तो यहाँ पे देखिए भीड़ काफ़ी बढ़ गया। और आगे देखिए सामने आपको दिखाते हैं ये बड़ा जो लंबा है ये अलादीन का चिराग दिखाया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं किस तरह से ये जिन नीचे अलादीन का चिराग, और उसके जिन से निकलता हुआ चिराग से निकलता हुआ ये जिन आप देख सकते हैं दर्शाया गया है, जो लंबा है आप देख सकते हैं कितना बड़ा। और यहाँ पे भी लोग भीड़ लगाए हुए हैं इस दृश्य को देखने के लिए। और यहाँ से भी हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो आइए आगे चलते हैं। और एक गली पतली है और पतली गली में काफ़ी भीड़ है, तो हम और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है वृक्ष को, मुझे मत काटें। और यहाँ से हम भी थोड़ा और आगे निकलते हैं, तो वहाँ पे एक से एक दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे माँ शेरावाली शेर पे सवार होके राक्षस का वध करते हुए दर्शाया गया है, जय माँ शेरावाली। और यहाँ पे माँ कालरात्रि काली, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे भगवान शिव जब रौद्र रूप में धारण थी तो भगवान शिव को ऐसे करना पड़ा था। और यहाँ पे कृष्ण कन्हैया अकेले, और यहाँ फिर से जाम लग गया है पतला गली में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जाम लग गया है काफ़ी, तो लोगों को रोका गया है, ये भाई सब थोड़ा रुक रहे हैं कि आगे काफ़ी जाम है, थोड़ा रुक के चले, धीरे धीरे चले। और आगे देखिए किस तरह से जाम लगा हुआ है, तो आइए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये अदालत के दृश्य दिखाया गया है, अब देख। तो यहाँ पे देख सकते हैं झाड़ फूँक का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ इसके बाद यहाँ पर अनुरुद्धाचार्य को दिखाया गया है बैठे हुए श्री महाराज जी को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं देवी। और इनके बाद यहाँ पे आपको दिखाते हैं माँ काली, काली का आशीर्वाद लेते हुए एक शक्ति नीचे हैं। और इनके बाद यहाँ पे राक्षस को वध करते हुए देवी आदि शक्ति माँ दुर्गा यहाँ पे हैं। और यहाँ इसके बाद यहाँ पे एक अद्भुत दृश्य दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि बिना हेलमेट के आप सड़क पर चलते हैं उससे किस तरह की दुर्घटना हो सकती है, उसे यहाँ पे दर्शाया गया है। और किस तरह की स्थिति होती है उस समय यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाया गया है, कृपया हेलमेट पहनकर चलें। और उसके बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को माखन चोरी करते हुए दिखाया गया है, बहुत ही रोचक है धौदाड़ द्वारा यह कार्यक्रम। और यहाँ पर भी झाड़ फूँक का कार्यक्रम चल रहा है। और इसके बाद एक अद्भुत दृश्य है जो पानी के बीच आप देख सकते हैं किस तरह से आग के लपके लहक रही हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एक जादू दिखाया जा रहा है, और जादू देखिए किस तरह से दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक साईं बाबा को भी दर्शाया गया है चक्की चलाते हुए। और यहाँ पे रामायण के दृश्य चल रही है। और इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और पुरानी परम्परा को निभाते हुए यहाँ पे रामायण के बाद रावण वध यानी रावण दहन किया गया। तो आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम, सदा सत्य की ही विजय होती है। तो वीडियो में बने रहे के सभी को धन्यवाद, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छे से चला रहा है, पीछे आने वाले ये बोल रहा है।